हेलो दोस्तों, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दिवाली के मौके पर मैं अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए कुछ खास रेसिपी बनाने वाली हूं। तो ये सारी रेसिपी मैं आज चूल्हे पर बनाने वाली, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती, लेकिन जो मुझसे हो पाएगा अपनी हैसियत के हिसाब से मैं आज बच्चों के लिए वही करने जा रही हूँ। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी प्यारे व्यूवर्स को भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपके प्यार सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो आगे भी आप मेरी वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहें, लाइक शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं कुछ आगे इन बच्चों के लिए कर सकूँ। तो आप सभी लोगों से मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो भी मैंने रेसिपी बनाई थी उसकी वीडियो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई है, मुझे भी बहुत अफसोस है। तो वो सब्ज़ी और खीर और पूरी की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी यहाँ पे मैंने, और बड़े से भगोने में, और इसमें नीचे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी लगाई है ताकि इसे साफ़ करने में थोड़ा आसानी रहे। तो ये मैंने यहाँ पे चने लिए हैं, तो इसको डाल देती हूँ। तो इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा था। देखिए यहाँ पे मैं आधा चम्मच खाने का सोडा डाल दूंगी। तो देखिए सब्जियाँ तैयार हैं, आलू छोले की सब्जी। देखिए इधर ये हमने खीर बनाई है। बहुत ही प्यार से मैं आलू छोले की सब्जी और ड्राई फ्रूट डाल के खीर बनाई थी। मुझे भी बहुत दुख है उस वीडियो क्लिप के डिलीट होने का, तो प्लीज़ सॉरी बोलती हूँ आप सबसे मैं। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो अब यहाँ पे पूरी जो है वो फ्राई हो रही हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्प ली है, इतने सारे बच्चों का खाना अकेले बनाना पॉसिबल नहीं था। खाना जो है सारा तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भोग लगवाएंगे। भोग लगवाने से क्या होता है कि हमारा खाना जो है कभी भी कम नहीं पड़ता, खाने में बरकत बनी रहती है। तो गर्म जलेबी, आलू छोले की सब्ज़ी और साथ में ड्राई फ्रूट वाली खीर, तो साथ में हम पानी रखेंगे तो भोग लगवाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे भोग लगवा लेती हूँ पहले। टेंशन भी नहीं लैनी चाहिए, अपने दिमाग में कोई कर ना सही से हो जाता सही है, हम ले जाते हैं। तो देखिए प्यारे प्यारे बच्चे आके यहाँ पे बैठ चुके हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। Thank you.
Thank you.
ਬਸ 10-12 ਸਾਲ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇ
ले पकड़ ले 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 एक बिंदा भी नहीं हो रहा क्या पानी गिर गया तो फिर क्या हो गया सब्जी ला रहे ना सब्जी यार कैसे बैठा पहले बता था बिगे पानी थोड़ा थोड़ा पियो मुझसे बार बार नहीं आ जाएंगे क्या कुछ चीज तुम दी बता दियो सूरज के लौटे ना तुम सूरज के बिंदा भी नहीं हो रहा वाह कितनी है